सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनावी आम सभा को संबोधित करने के लिए शहडोल पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की चाह में देश को तोड़ने का काम करने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भारत तोड़ने का काम कांग्रेस के पूर्वजों ने ही किया है। शिवराज सिंह यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आजादी के समय 1947 में भारत देश का कोई भी नागरिक विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का विभाजन स्वीकार करके हिंदुस्तान को तोड़ने का अपराध और जघन्य पाप किया था। ये वो ही थे जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कश्मीर में धारा 370 भी लगाई थी। कश्मीर में धारा 370 लगाकर कश्मीर को भारत के साथ समरस भाव से नहीं होने देने का पाप भी कांग्रेस ने किया था। अब राहुल पूरे भारत में कांग्रेस को जोड़ने नहीं बल्कि बची खुची कांग्रेस को तोड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि शिवराज सिंह को अपने इस बयान पर जनता से माफी मांगना चाहिए। नगरीय निकाय के चुनाव के दरमियान शहडोल जिले में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने देश तोड़कर महापाप किया है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे महापुरुष जिनकी आज़ादी से आज इस मुल्क में हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जेलों में व्यतीत किया, ऐसे महापुरुष के बारे में इस तरह की बात करना उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस वक्तव्य के लिए उनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अभी